ये है नेपालापुर बिजवार बाईपास का निर्माणाधीन ओवरब्रिज जो रेलवे लाइन के ऊपर से निकला है और मलुही सरैया को पार करते हुए आगे केमिकल फैक्ट्री के पास उतरा है। वहाँ से आधा किलोमीटर चलने पर अगला ओवर ब्रिज पुनः पड़ेगा जो सीतापुर लखनऊ रेलवे लाइन को पार करके लखनऊ रोड पर उतरेगा। इससे आवागमन के साधन जो है आराम से इस पर निकलेंगे, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, फाटक बंद होने वाली समस्या नहीं आएगी। ये देखिए इसके साइड का भी हंगम दृश्य, खेत हैं गन्ने के और ये है पुल, फोर लेन का है, दो लेन ये जिस पर हम चल रहे हैं और बाकी दो लेन ये है। ओवर ब्रिज के बाएं साइड में भाजपा का जिला कार्यालय दिखाई पड़ रहा है, भाजपा का ध्वज लहरा रहा है। इसका उद्घाटन शिलान्यास करने माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, बंपर भीड़ भाड़ हुई थी। ये है भारतीय जनता पार्टी सीतापुर का जिला कार्यालय। एक बार सामने से फिर से दिखा देता हूँ जी, देखिए ये है तीन मंजिला भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और ये दाहिने साइड में पावर हाउस है लेकिन ये पुल की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा, नीचे है उसका संचार टावर दिख रहा है। ये ओवर ब्रिज जो है सीतापुर बुढ़वल रेल मार्ग के ऊपर से निकला है। ये विंगम दृश्य देखिए, ये रेलवे लाइन दिखाई पड़ रही होगी जो सीधे बुढ़वल को चली गई है, विद्युतीकरण हो चुका है इसका। जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लेबर कारीगर लोग ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं। ये दूर सलही सरैया मलुही गांव दिख रहा है, उसका वो मंदिर दिख रहा है चुट्टी, उसकी ये आम की बाग है जिसमें आम लगे हुए दिख रहे हैं। और वो दूर फैक्ट्री दिख रही है आयल मिल, सीतापुर आयल मिल।
ये हम आ गए पुल के शीर्ष पर। ये रेलवे लाइन है जो बुढ़ोल को चली हुई है। ये निर्माण कार्य चल रहा है, ये शायद पुताई उतई चल रही है इसकी। अब ये और ब्रिज नीचे की तरफ जा रहा है, उतर रहा है, और ये बाग और गांव साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। चलिए अब वीडियो बंद करता हूँ। ये जा करके मलुही गांव के आगे केमिकल फैक्ट्री के पास ये पुल उतर जाएगा। ओके, जय हिंद।